अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल मुस्तफ़ा है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल और एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज। आज वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से ये एक पेशेंट इंफॉर्मेशन वीडियो है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर बेसिकली आपको ये बताना चाहूँगा कि दिल की जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में आम तौर पर क्या मसाइल हैं जो बीइंग फिजिशियन हम लोग फेस करते हैं मरीज़ों की तरफ से। उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि अमूमन ये समझा जाता है कि दिल की जो बीमारियां हैं वो शायद सिर्फ दिल का अटैक है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। दिल का अटैक या दिल का दर्द ये शायद सिर्फ 25 या 30% दिल की बीमारियों का हिस्सा है। इसके अलावा दिल की पट्ठों की कमज़ोरी, कुछ जीनियाती तौर पर दिल की बीमारियाँ, बच्चों के दिल की बीमारियाँ, कुछ दिल की ऐसी इन्फेक्शन्स हैं जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। तो उनके परहेज़ के हवाले से जो एहतियात आप लोग कर सकते हैं, उसके अंदर अगर हम बच्चों के हिसाब से शुरू करें, कोई ऐसा बच्चा जो नीला पड़ जाता हो, फीट सही ना ले पाता हो, बहुत उसको बार बार इन्फेक्शन हो रही हैं, निमोनिया हो रहा है, अपने दूसरे बच्चों की निस्बत वो खेल कूद नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, ऐसे बच्चों का दिल का मुआयना करना ज़रूरी है। बच्चों के उम्र के अंदर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये वो हिस्सा है जिसके अंदर बार बार का गला ख़राब होना एक बहुत बड़ी दिल की बीमारी कर सकता है, जो कि सारी ज़िंदगी के लिए दिल को ख़राब कर सकती है, जिसको रोमेटिक फीवर कहा जाता है। उसकी एहतियात वालदैन को चाहिए। बच्चों का जिन बच्चों का बार बार गला ख़राब होता हो उनको बच्चों के डॉक्टर को और ख़ास तौर पर बच्चों के दिल के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। जहाँ तक बड़ों के दिल की बीमारियाँ हैं, उसमें पट्ठों की कमज़ोरी या दिल का अटैक, जिसको आम तौर पर खून की रगों में चर्बी का जम जाना और उसकी वजह से हार्ट अटैक होना कहा जाता है। इससे जो परहेजी मामलात हैं जिनसे इस चीज़ से बचा जा सकता है, उसमें बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है। आप अपनी खुराक का ख्याल रखें, चर्बी चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, बड़े गोश्त का कम से कम इस्तेमाल हो, ग़ज़ा को ज़्यादा कोशिश करें कि वो सब्ज़ियों की तरफ और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ आएं। वर्जिश बहुत अहम है इस सारे मामलों के अंदर। अगर आप डेली वर्जिश करते हैं तो आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। शुगर का कंट्रोल करना, मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है दिल की बीमारियों का। हमारे पाकिस्तानी जो जीनियाती तौर पर हमारा जो सिस्टम है, उसके अंदर अगर मर्दों की जो कमर की जो सरकमफेरेंस जिसे हम कहते हैं वेस्ट सरकमफेरेंस 34 इंच से ज़्यादा हो, या ख़वातीन में 32 इंच से ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग दिल की बीमारियों का शिकार होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसी तरह हम जो हमारी जो गर्दन की मोटाई है, हमारा अगर जब भी एक सिंपल अगर कोई बंदा अपनी जो शर्ट है उसका कॉलर उसका 17 इंच से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि उसका चांस दिल की बीमारियों का बढ़ रहा है। इसके साथ एक और अहम मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि हमें जो मरीज़ों की तरफ से एक बहुत बड़ा सेटबैक आता है, या एक जो हमारी ख्वाहिश होती है कि मरीज़ ये हरकत कभी ना करें, वो होता है दवाई का छोड़ देना, कि जहाँ तबीयत ठीक हुई या अलामात ठीक हुई दवाई छोड़ दी गई। प्लीज़ ऐसा हरगिज़ मत समझे, क्योंकि ये कोई वक्ती तौर पर दवाई का कोर्स नहीं है। ये जो दिल की बीमारी है, ये अमूमन इसकी जो अद्वियात होती हैं ये ता हयात लेनी होती हैं। उनमें ऊंच नीच ज़रूर हो सकती है, उसकी मकदार ऊपर नीचे ज़रूर हो सकती है, वो डॉक्टर एडजस्ट करेगा आपके लिए। लेकिन ये हरगिज़ मत समझें कि अगर आपको डॉक्टर ने 30 दिन की दवाई दी थी तो बस 30 दिन खा के आप उसको छोड़ दें और इससे आपको आपकी तकलीफ़ में खुदा ना खास्ता शिद्दत आ जाए या कोई अगला दिल का मसला ना शुरू हो जाए। यहाँ अकबर नियाज़ी टीचिंग अस्पताल में इस सिलसिले में जो हमारा दिल का डिपार्टमेंट है, उसमें प्रैक्टिकली हम नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी फ़िलहाल ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम दिल के अल्ट्रासाउंड, जिसको आम जबान में एकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, दिल के जो मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए स्ट्रेस टेस्ट जो हैं वो हम डब्ल्यूटामिन स्ट्रेस एको के हिसाब से भी करते हैं, और हमारे पास ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्टिंग भी मौजूद है। दिल की धड़कन के मामलों को मॉनिटर करने के लिए हम होल्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस वक्त एक फुली फंक्शनल CCU और कार्डियक IPD मौजूद है, जहां हम सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स की टीम मिलकर आपकी खिदमत में मसरूफ़ हैं।